हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इन 11th क्लास अकाउंटेंसी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कॉस्ट कंसेप्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द प्रिंसिपल इन प्रीवियस वीडियोस, द थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। द नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कॉस्ट कंसेप्ट। द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, which include cost of acquisitions, transportation, installation and making the assets ready to use. Student, according to cost जो concept है उसके according जो क्या होगा, जो books में जो record की जाती है assets की cost, वो क्या होती है, जो उस assets को purchase करने के लिए pay की जाती है, चाहे उसमें क्या है cost हो, चाहे उसको जो इंस्टॉल करने के चार्जेस हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन करने के चार्जेस हो। इट मींस जब वो एसेट रेडी टू यूज मींस हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, तो उस रेडी टू यूज तक स्टेज तक लाने के लिए जो भी कॉस्ट की जाती है वो सब उसकी जो है कॉस्ट होती है, और वही बुक्स में नोट डाउन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जून 2005 An old plant was purchased for rupees 50 lakh by Shiva Enterprises, which is into the business of manufacturing detergent powder. वो जो manufacturing करती थी, क्या detergent powder बनाती थी, उसके लिए उन्होंने plant purchase किया था Shiva Electronic या Shiva Enterprises ने, कितने में, 50 lakh रुपए में। Right student? An amount of 10,000 was spent for transport in the plant to the factory site. In addition, 15,000 was spent on repair for bringing the plant into running position. At the end, rupees 25,000 for installation. It means here firstly spend 50 lakh, then 10,000 for transporting, then 15,000 for repair and 25,000 for इंस्टॉलेशन। तो जब हमें प्लांट की टोटल कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो हम क्या करेंगे, इन सब कॉस्ट को टोटल कर देंगे, और वही टोटल जो कॉस्ट हम जो है फॉरवर्ड करेंगे इन द सब्सिक्वेंट ईयर, यही बुक्स में जो नोट होगी। कॉस्ट कंसेप्ट एक हिस्टोरिकल नेचर है, एज इट समथिंग विच हैज बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। ये वो कॉस्ट होती है जो उस एसेट्स को परचेज करने के लिए पे की जाती है, इसमें चेंज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिल्डिंग हैज बीन परचेज बाय फर्म 2.5 करोड़, द परचेज प्राइस विल रिमेन द सेम फॉर ऑल ईयर टू कम, आने वाले ईयर्स में जो सेम रहेगा, मार्केट वैल्यू में चेंज हो सकती है, बट जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को जो अडॉप्ट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो हम क्या राइट करते हैं, इस सेम कॉस्ट को जो 2.5 करोड़ होगी ये नोट करेंगे। राइट, अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिविटी इन रिकॉर्डिंग एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन इजली वेरिफिकेबल फॉर द परचेज डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ जब हम परचेज करते हैं तो परचेज डॉक्यूमेंट बनता है, परचेज डॉक्यूमेंट बनेगा तो इट मीन्स वेरिफिकेबल है ट्रांजेक्शन्स, मार्केट वैल्यू है, मे अप डाउन होती रहेगी, उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होगा, मार्केट वैल्यू को हम टैली नहीं कर सकते, इसलिए हम मार्केट वैल्यू को रिलायबल नहीं मानते, हिस्टोरिकल कॉस्ट को जो रिलायबल माना जाता है और इसी को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। वैल्यू ऑफ द एसेट्स मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेकिंग द कंपेरिजन बिटवीन वन पीरियड टू अनदर रेदर डिफिकल्ट, बार बार मार्केट वैल्यू तो अप डाउन होती रहती है, उसको हम जो इजली एस्टिमेट नहीं कर सकते। एन इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस इज दैट इट डज नॉट शो द ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस एंड मे लीड टू हिडन प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, द मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट be replaced the higher than the value at which these are shown in the books of leading to hidden profits. Cost जो एक concept है easy है, verifiable है, but इसकी फिर भी limitation है, क्योंकि market value को tally नहीं करता, market value को tally नहीं करता, और हम cost को जो है historical cost को ही continuity में रखते हैं, जो है नेक्स्ट फर्दर ईयर में भी अगर उस पर डेप्रिशिएशन है तो राइट अप करते हैं, उसके बाद फिर से जो है नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं।
इट मीन्स मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं, और मार्केट वैल्यू समटाइम डाउन हो जाती है तो क्या है कि एसेट्स की वैल्यू तो हम जो है हाई शो कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है हमारी जो बुक्स की जो पोजीशन को, हमारी जो बिजनेस की पोजीशन को, ये जो बुक्स होंगी अकाउंट्स, ये ट्रू पोजीशन शो नहीं करती है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल मीन्स डबल, बेसिक प्रिंसिपल है ये हमारी जो अकाउंटिंग का। इट प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टू द बुक ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन यू राइट ऑन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूल टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयर फॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। हर ट्रांजेक्शन टू प्लेस पर नोट होगा, एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व होंगे हर ट्रांजेक्शन के अंदर। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन ए सम ऑफ 50 लाख। द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट बाय राम, जब मनी जो है राम बिजनेस में लेके आए तो एक तो एसेट इंक्रीज हुई इन द फॉर्म, क्या थी, कैश फॉर्म में, राइट। एक जो है 50 लाख से ही ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज हुई। इक्वल अमाउंट से जो है दोनों जो साइड पर इफेक्ट हुआ, लाइबिलिटी साइड पे भी और एसेट साइड पे भी। इट मे बी सीन दैट द टू आइटम दैट गोट अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन आर कैश एंड कैपिटल अकाउंट। ये टू इफेक्ट जो हुए अकाउंट्स, फर्स्ट जो अकाउंट इफेक्ट हुआ वो कैश एंड सेकेंड जो इफेक्ट हुआ वो कैपिटल अकाउंट। दिस नाउ स्टूडेंट, नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट फर्दर। सपोज फर्म परचेज गुड्स वर्थ 10 लाख ऑन कैश। जब फर्म में जो 10 लाख की परचेजेस की जाती हैं गुड्स, तो एक तरफ तो क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होगी, राइट, क्योंकि जो है गुड्स मीन्स स्टॉक जो इंक्रीज हुआ। सेकेंड हैंड पे क्या होगा, जब पेमेंट की गई है कैश में तो एसेट डिक्रीज होगी, राइट। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि फर्म ने मशीनरी परचेज की क्रेडिट पर, मशीनरी परचेज करने से एसेट्स इंक्रीज हुई, बट ऑन द अदर एंड क्या हुआ, लाइबिलिटी है जो पे करनी है तो वह लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये सभी ट्रांजेक्शन से जो आपको क्या शो हो रहा है कि हर ट्रांजेक्शन है ड्यूल इफेक्ट, राइट, टेक प्लेस इन केस ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। इसको हम ड्यूअलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। हर ट्रांजेक्शन मिनिमम टू अकाउंट को इफेक्ट करेगा, हो सकता है कई बार वो टू से भी ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट करे, बट मिनिमम जो है टू अकाउंट को इफेक्ट वो करेगा, हर ट्रांजेक्शन इफेक्ट करेगा। द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एज फॉलोज, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इन अदर वर्ड भी कह सकते हैं कि इक्वेशन जो स्टेट करती है, एसेट्स बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ओनर एंड द आउटसाइडर्स, हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, और जो हमारी ओनर और जो ओनर कैपिटल या क्लेम ऑफ ओनर और आउटसाइड जो क्लेम होंगे एसेट्स के इक्वल ही होंगे। द क्लेम ऑल्सो इक्विटी ऑफ ओनर इज टर्म्ड एज कैपिटल एंड दैट ऑफ आउटसाइडर एज लाइबिलिटी। अकॉर्डिंग टू टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन सच ए मैनर दैट द इक्वेलिटी ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज मेंटेन। इक्वेशन क्या बनी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। द टू फोल्ड इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस, राइट स्टूडेंट। हर ट्रांजेक्शन मिनिमम टू जो है हमारी साइड्स को जो टू अकाउंट्स को जरूर इफेक्ट करेगा। इनफैक्ट दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म द कोर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये जो हमारा ड्यूल एस्पेक्ट है वो किस पर डिपेंडेंट, डबल एंट्री सिस्टम पर, ठीक है। और जिसको हम जो है कंप्लीट एक डबल एंट्री चैप्टर आएगा आपका, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है अकाउंटिंग का, उसके अंदर जो हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, राइट स्टूडेंट, जो लुका पैसिओली के द्वारा डेवलप किया गया था, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज रिवेन्यू रिकॉग्निशंस
जिसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रिवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। इस कंसेप्ट के अंदर हम मानते हैं कि जब बिजनेस के अंदर हम जब रिवेन्यू को रियलाइज कर लेंगे तब हम मानते हैं कि हमें रिवेन्यू जो अचीव हो गए हैं। हेयर अराइज टू क्वेश्चन इन माइंड। फर्स्ट, इज टर्म्ड एज रिवेन्यू और अदर रिवेन्यू इज रियलाइज्ड। लेट अस टेक द फर्स्ट वन। रिवेन्यू इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू? फर्स्ट वी हैव टू नो द व्हाट द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू। सो रिवेन्यू मीन्स ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग। जितना भी कैश आपको बिजनेस में अराइज हो रहा है, बिजनेस में कैश अराइज कैसे होगा? जब हम गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं, जब हम अपनी फर्म की गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब बिजनेस के जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं तो कई बार क्या होते हैं, वो बाहर फर्म से बाहर इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवेंचर परचेज कर लिए या शेयर परचेज कर लिए। अब शेयर परचेज किए तो फर्म को डिविडेंड इनकम मिलेगी, डिबेंचर परचेज किए तो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम मिलेगी। राइट स्टूडेंट, कि रिवेन्यू रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड इनकम प्लस रॉयल्टीज इनकम। तो इस टाइप से जो है हमारे जो रिवेन्यू होते हैं, इन रिवेन्यू इन सब का जो एडिशन होता है। सेकेंडली, रिवेन्यू इज अज्यूम टू बी रियलाइज्ड व्हेन ए लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। रिवेन्यू को जो हम रियलाइज मानते हैं, जब उसका लीगल राइट मिल जाता है हमें यूज करने का। द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैज बीन रेंडर्ड, द क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू ऑन द डे व्हेन सेल्स आर मेड, नॉट द मनी इज रिसीव्ड। क्रेडिट सेल्स के केस में हम रिवेन्यू को तभी मानते हैं जब हमने जो सेल कर दी, राइट। मनी हो सकता है बाद में रिसीव हो हमें बाहर से, सच एज रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट। इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन है टाइम बेसिस पर होती है। फॉर एग्जांपल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017, इवन इफ रिसीव्ड हो रहा हो अप्रैल में, बट हम प्रॉफिट ऑफ जो लॉस बनाते हैं उसका फाइनेंशियल ईयर जब हम 2017 का बनाएंगे उसमें नोट करेंगे, नोट द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द, इफ जो रेंट इज रिसीव्ड इन अप्रैल में रिसीव हुआ तो अप्रैल वाले में जो हम नोट नहीं करेंगे, हम जो है किस में नोट करेंगे, हम 2017 वाले में नोट करेंगे। अप्रैल 2017 वाला कहाँ जाएगा, 2018 ईयर में जाएगा, राइट स्टूडेंट। इस तरह से जो हम तभी मानते हैं जब हमें जो हमने जो उनकी जो सर्विस जो है रेंडर कर दी। There are some exception to this general rule of revenue recognitions. कि कई बार क्या होता है, जो construction work चल रहा होता है, हमारी जो है firm है वो construction work में है, और construction work जो इस type का है जो long time लेगा, 2-3 years भी ले सकते हैं complete होने में, तो हम revenue कैसे जो है मानेंगे कि हमें realized हुआ, तब हम proportionate amount जो revenue की find out करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पीरियड। कि अगर हमें 3 इयर्स में रियलाइज होना है तो हम जो है 1 ईयर में जितना भी वर्क कंप्लीट किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोपोर्शनेट जो रिवेन्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। और इसी टाइप से जब गुड्स सेल की जाती है हायर परचेज मेथड के अकॉर्डिंग, तो हम जो उसकी इंस्टॉलमेंट कलेक्ट होती है, इंस्टॉलमेंट जो कलेक्शन होती है उसको हम जो है रिवेन्यू रियलाइज मानते हैं। तो व्हेन रिवेन्यू रियलाइज कब माना जाता है, जब सब सर्विस हमने जो दे दी और इनके सबने परचेज की, तो सर्विस रेंडर जो है जब भी हमने सर्विस जो है हमारे बायर को दे दी, ठीक है, तो उसका राइट उन्हें मिल गया, तब हम मानते हैं कि हमें रिवेन्यू रियलाइज हो गया, राइट स्टूडेंट। इन केस ऑफ रिवेन्यू रियलाइज जो है हायर परचेज में हमने कब माना, जब हमने उसकी इंस्टॉलमेंट को कलेक्ट कर लिया, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट।
The process of ascertaining the amount of profit earned or the loss incurred during a particular period involved deduction of related expenses from the revenue during that period. कि जो प्रोसेस कि प्रॉफिट को असर्टेन करना है हमने जिस भी ईयर के प्रॉफिट को राइट उस पीरियड के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं तो उसी ईयर के अकॉर्डिंग जो हम चार्ज करते हैं राइट द मैचिंग कॉन्सेप्ट एम्फसाइजेस एग्जैक्टली ऑन दिस एस्पेक्ट इट्स state that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenue that period ki revenue ke sath expenses match hone chahiye when we take the revenue for 12 months from 1st april to 31st march the expenses bhi hame jo hai 1st april to 31st march lene hai whether we paid or not hum outstanding maan kar जो है उसे एडअप करेंगे अगर हमने कम एक्सपेंसेस पे किए हैं हम फुल जो है पीरियड के जो एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे राइट स्टूडेंट एज ऑलरेडी स्टेटेड रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन सेल इज कंप्लीटेड और सर्विस इज रेंडर रेदर देन कैश इज रिसीव्ड सेम एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज नॉट व्हेन कैश इज पेड बट व्हेन एसेट्स और सर्विस हैज बीन यूज्ड टू जनरेट रिवेन्यू हम जो है सैलरी की रेंट की इंश्योरेंस की जो एक्सपेंसेस तभी मान लेंगे जिस पीरियड से वो रिलेट करते हो चाहे वो अभी हमने पे नहीं किए हो मीन्स पेंडिंग है आउटस्टैंडिंग है लाइक डेप्रिशिएशन फिक्स एसेट्स का जो हम डिवाइड करते हैं एसेट्स का यूजफुल लाइफ ऑफ द पीरियड के अंदर और सेम अगर रेंट हमने 12 मंथ्स का पे करना है लेकिन हमने अभी 11 मंथ का पे किया है तो वन मंथ का जो आउटस्टैंडिंग रेंट हम ट्रीट करेंगे और वो हम क्या करेंगे टोटल तब 12 मंथ्स का रेंट जो है चार्ज करेंगे राइट स्टूडेंट लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स आर मैच्ड विद देयर सेल्स रिवेन्यू व्हाइल असर्टेनिंग द प्रॉफिट और लॉस इन एन अकाउंटिंग ईयर वी शुड नॉट टेक द कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस और परचेज ड्यूरिंग दैट period but consider only the cost of goods that have been sold during that year right student for this purpose cost of unsold goods should be deducted from the cost of the jo hai goods produced or purchased hum jo material purchase karte hain but utna material lete hain jitni humne jo hai us material ka use kiya hai उससे ईयर जो हमने सेल किया उससे रिलेटेड जो मटेरियल हमने यूज़ किया है केवल उतना लेंगे जो कंप्लीट जो हम कॉस्ट नहीं काउंट करते मैचिंग कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट ऑल रिवेन्यूज अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वेदर रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड दैट ईयर और नॉट एंड ऑल कॉस्ट इन अकर वेदर पेड ड्यूरिंग द ईयर और नॉट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट ईयर मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि सारे रिवेन्यू लेने हैं अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपने जो अर्न किए हैं चाहे उन रिवेन्यू को आपने अभी रिसीव नहीं किया ड्यूरिंग दैट पीरियड फिर भी उसे आपने लेने हैं उसमें जो है हम एक्रूड इनकम करके जो रिवेन्यू में प्लस कर देंगे और टोटल रिवेन्यू जो हम लेंगे सेम कॉस्ट हमने टोटल कॉस्ट लेनी है 12 मंथ्स की अगर कुछ कॉस्ट हमने पे नहीं की तो आउटस्टैंडिंग कॉस्ट करके जो हमने टोटल कॉस्ट को जो ट्रीट करना है गॉट इट दिस स्टूडेंट नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट फुल डिस्क्लोजर मींस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल such as investor lender supplier and other in taking various decision full disclosure means ki full information apne financial statement mein do kyunki businessman ke jo accounts maintain kiye jate hain businessman dwara wo financial statement use kiye jate hain different groups of people ke dwara such as investors lender supplier or others for taking various financial decision right student in the corporate form of organizations there is a distinction between the managing
the affairs person of the enterprises and those owing it. हमारी जो corporate form of organization क्या है उसमें separate legal entity concept होता है जिसके अंदर हम assume करते हैं कि owner is separate from its business. तो financial statement क्या है only और basic means है communicate करने का financial information to the interested parties. It become all the more important therefore that the financial statement makes a full, fair, adequate disclosure of all the information which is relevant for taking financial decision. यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है full disclosure concept के according कि हमारे जो financial statement है वो true picture को show करे, full information show करे और फुल जो है विजिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि उन्हीं के बेस पर हमारी इंटरेस्टेड पार्टी जो है डिसीजन लेती है. द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है एंटरप्राइजेस की बिजनेस परफॉर्मेंस से तो वो कंप्लीटली डिस्क्लोज किए जाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अगर किसी इंफॉर्मेशन को आप शो अप नहीं कर सकते तो उसे वर्किंग नोट में शो अप किया जाए ताकि जो यूजर्स को देखकर जो एस्टिमेशन लग जाए कि ये चेंजेस हैं या ये पॉइंट इस तरह से ट्रीट किया गया है ताकि वो अपना डिसीजन जो है इजीली ले सके और जो है प्रॉपर ले सके. To ensure proper disclosure of material accounting information, the Indian Companies Act 1956 has provided a format for the preparation of profit and loss and the balance sheet. इन्हीं proper disclosure के लिए क्या किया गया है कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग 1956 कंपनी एक्ट ने एक फॉर्मेट दे दिया है किसका प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का भी क्योंकि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है नहीं इतना रन अप करते तो कोई इंफॉर्मेशन छूट भी सकती है. बट कंपनी एक्ट ने क्या किया एक फॉर्मेट बना दिया है और उसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना होता है. कंपल्सरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें जो है हर स्टेटमेंट को राइट अप करना है और ये स्टेटमेंट जो मेंटेन किए जाते हैं फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स. रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है कंपनीज केस में कि इन्हीं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ताकि फर्म की जो है ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को और स्टेटमेंट जो स्टेट ऑफ अफेयर्स को जो शो करे मीन्स बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजिशन जो शो आउट कर रही है वो ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन हो. राइट स्टूडेंट कि फुल डिस्क्लोजर मीन्स फुली मटेरियल और रेलिवेंट फैक्ट है जो बिजनेस के उनको बिजनेस जो है शो करे क्योंकि जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर तो इंटरेस्टेड पार्टीज को फुली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसलिए जो है कंपनी एक्ट ने एक फॉर्मेट बना दिया है हमें जो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस की सारी स्टेटमेंट को नोट डाउन करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन किए जाते हैं ताकि जो फुली इंफॉर्मेशन जो उसमें आ सके ताकि देखने वाले को इजीली एस्टिमेशन लग जाए कि ये इंफॉर्मेशन बिजनेस से है. अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें नोट्स टू अकाउंट्स में भी देनी होती है. राइट स्टूडेंट नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी मीन्स ओवर ए पीरियड जो हमारे जो हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं उन्हें हमें चेंज नहीं करना उनको हम सेम फॉलो करें ईयर टू ईयर. या नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल इन ड्रॉइंग कॉन्क्लूजन्स रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस ओनली वेन इट लॉस comparison over a period of time as well as with the working of other enterprises. Right student means ki jo accounting information hai wo hamare jo financial statement ke dwara jo is type se banaye jane chahiye ki
उनके अंदर जो रूल्स और प्रिंसिपल यूज किए जा रहे हैं वो चेंज ना हो, ताकि जो उनके बेस पर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उनके बेस पर कंपैरिजन हो सके, कंपैरिजन इंटर फर्म भी और इंटर पीरियड भी। यस, फर्म दूसरी फर्म के साथ भी कंपैरिजन कर सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और अपनी फर्म का ही जो प्रीवियस जो ईयर पीरियड जो है उनके साथ भी कंपैरिजन कर सके, ताकि फर्म जो है एक करेक्ट डिसीजन ले सके। और ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेज जो एंटरप्राइजेस फॉलो की जा रही है, जो भी वो एंटरप्राइजेस फॉलो कर रही हैं, प्रैक्टिस भी पॉलिसीज भी, वो यूनिफॉर्म रहे और कंसिस्टेंट रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस फॉलो बाय द enterprises are uniform and are जो है consistent over the period of time. Right student? Financial performance जो है enterprises की जो current year का comparison previous year से, right? और इस comparison से क्या पता लगेगा कि last year और इस year में क्या improvement हुई है। But if the accounting policies जो adopt की जा रही हैं अगर वो दोनों period की different होगी तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तब हम इस मेथड को जो कि मेथड ही चेंज हो गया है तो प्रॉफिट जो चेंज होगा तो कंपैरिजन करना क्या होगा, टू इयर्स इज इनकंसिस्टेंट जो है कोई रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि दोनों इयर्स के हमारे जो है वैल्यूएशन के मेथड ही डिफरेंट है। वैल्यूएशन मींस डेप्रिसिएशन का ऑन एसेट्स के ऊपर या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये मेथड हम चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन के हमारे पास मेथड होते हैं, कि डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो स्ट्रेट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से किया जाता है। राइट स्टूडेंट, स्ट्रेट मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं हम, रिटर्न डाउन को भी फॉलो कर सकते हैं, बट जब हम स्ट्रेट और रिटर्न डाउन को फॉलो हम नेक्स्ट ईयर जो है, फॉर एग्जाम्पल जो हम स्ट्रेट मेथड को फॉलो कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम क्या करते हैं, हम रिटर्न डाउन को फॉलो करते हैं, तो दोनों जो हमारे जो है प्रॉफिट्स को जो शो करेंगे वो डिफरेंट शो करेंगे, क्योंकि हमने मेथड ही चेंज कर दिया। राइट स्टूडेंट, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो हमारे अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट होंगे वो कंपैरिजन के जो है जो शो करेंगे पॉइंट्स वो क्या वो रिलायबल नहीं होंगे। जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मेथड है लिफो, फिफो और एवरेज। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एवरेज मीन्स लिफो और फिफो का दोनों का एवरेज। अगर हम मेथड चेंज कर देंगे तो हमारे अकाउंट्स जो है कंपेरेबल जो है नहीं हो पाएंगे, या कंपेरिजन हम करेंगे तो उनका रिजल्ट हमें जो है बेटर नहीं मिलेगा, और उसके बेस पर जो हमारे डिसीजन होंगे वो भी रॉन्ग होंगे। कंपेरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ टू एंटरप्राइजेज वुड बी मीनिंगफुल ओनली इफ सेम काइंड ऑफ अकाउंटिंग मेथड और पॉलिसीज आर अडोप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरिजन जो तभी जो है टू एंटरप्राइजेज का मीनिंगफुल होगा जब हम सेम पॉलिसीज और मेथड्स को अडोप्ट करें। राइट स्टूडेंट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मीनिंग यही है कि जो भी हम अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तो उनके अंदर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड हैं वो सेम अडोप्ट किए जाएं। राइट स्टूडेंट, तो दीज आर सम बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन द चैप्टर थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड next video we will meet and discuss the next accounting principle. Thank you and have a cheerful day.